अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, लेकिन बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे नागरिक। यूपी के हमीरपुर जनपद के राठ में कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 14 अप्रैल तक के भारत लॉकडाउन के तीसरे दिन कस्बे में पूरी तरह से असर दिखाई दिया। पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आए। पुलिसकर्मी लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनेकों बहाने बनाकर सड़कों पर घूम रहे हैं। लोग दवा, बीमारी, गैस सिलेंडर आदि का बहाना बनाकर जा रहे हैं। वहीं कुछ मोहल्लों में घर के बाहर एकत्रित लोग घरों में रहने के लिए नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री ने लोगों से घरों में रहने की अपील की थी। लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और मीडिया को निकलने की बात कही है। इस पर पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे दिन कोतवाली परिसर के पास लगी वेरिटेक के पास कुछ लोग अनेकों बहाने बनाकर निकलने की कोशिश करते हुए नजर आए। एसआई प्रहलाद सिंह ने बताया कि लोगों को अनेकों बार समझाने के बाद भी लोग निकलने से बाज नहीं आ रहे। बताया जो भी बिन हेलमेट के निकल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है। वहीं रामलीला चौकी इंचार्ज गौरव ने बताया कि वह सुबह से ही मोहल्लों सहित गलियों में गश्त कर लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दे रहे हैं।